हेलो गाइस, आज की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम आ रखे हैं यहाँ पुष्कर का मेला देखने के लिए। तो फिलहाल हम दोनों भाई आ रखे हैं यहाँ पुष्कर मेला देखने के लिए। मेरे पीछे देख सकते हो आप कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, और ये इधर का सीन है। तो यहाँ का आप सीन देख सकते हो, कैसे पहाड़ों का नज़ारा है, कितना खूबसूरत है और कितनी हरियाली है। ये सारा लगभग हम पहुँचने वाले हैं पुष्कर मेले से बाहर है थोड़ी देर। तो चलो फिलहाल आपको चलते हैं आगे लेके। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग पर। यहाँ से आप पहाड़ देख सकते हो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये सारे पहाड़ है यहाँ से वहाँ तक लेकर, और हम इधर से आए। फिलहाल हम इधर जाएंगे, इधर है पुष्कर मेला। तो वहाँ पे वो देख सकते हो आप, पहाड़ी पर है सावित्री माता का मंदिर, ये पुष्कर के पास में है। तो फिलहाल देख सकते हो यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है उसका। हमने गाड़ी पार की है यहाँ पे, और मेरा पीछे है मेला। तो ये देखे तो यहाँ पे झूले लग रहे हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, और यहाँ पे वर्मा जी का दुनिया का सबसे पहले मंदिर बना और सबसे बड़ा मंदिर यहीं पे। तो फिलहाल पुष्कर को आप सब जानते होंगे, तो चलो फिलहाल आपको मेला दिखाते हैं वर्मा जी का। दोस्त इधर देख सकते, पूरा इधर मेला है, और ये मेला का सीन है। उधर देख सकते तो 10 झूले लग रहे हैं बड़े वाले, और उधर देख सकते हो ये गुब्बारा है जिस पे लिखा है सैंड आर्ट फेस्टिवल पुष्कर, मतलब ये। दोस्तों हम आ चुके मेले में, घूम के मेले से बाहर, और वहाँ पे हम नमकीन ले रहे हैं। तो नमकीन बना के फिर वहाँ से नमकीन बना के हम जाएंगे वापस घुस करके मेला के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिलहाल लेते हैं और आपको ये सीन दिखाते हैं। चैनल का नाम बिंदास अल्फाज खान, 7 लाख।
तेज भूख लग रही है, तो इसको नाश्ता करवाने के लिए आए हैं। विभाग में चल रही है नहीं, बढ़िया वन विभाग की प्रदर्शनी है। बहुत दोस्तों, आप मेरे पीछे का सीन देखे तो यहाँ पे युवाओं से रिलेटेड एंड कृषि से रिलेटेड शॉप्स हैं। यहाँ पे बिल्कुल सीधे में आपको टॉपिक बताए जाते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, मतलब कृषि से और युवाओं से रिलेटेड सारी शॉप्स हैं। यहाँ पे देख सकते हो, ये पानी बचाओ के लिए ऊपर पहाड़ बनाए गए। मेला देख के आए क्या? थोड़ा फिलहाल दोस्तों अभी शाम के बज चुके हैं 6, और आप देख सकते हो अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ पे ऊँट की और घोड़े की सवारी करते हैं सारे लोग। देख सकते हो यहाँ पे प्रति व्यक्ति मतलब कि ऊँट की और घोड़े की सवारी करते हैं, और ये पूरा ग्राउंड इसी से भरा हुआ है फिलहाल देख सकते हो। तो ये चारों तरफ से ऐसे ही है। तो चलो फिलहाल आपको पूरा ग्राउंड दिखाते हैं कैसा है। फिलहाल देख सकते हो अंधेरा पड़ चुका है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे सवारी कर रहे हैं। और देख सकते हो तो ये कितना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे ऊँट और घोड़े की सवारी करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे देख सकते हो तो कितनी भीड़ लग रही है, यहाँ से सवारी लेके जा रहे हैं इस ग्राउंड के एक चक्कर लगा के, और फिर यहाँ पे यहाँ से वापस लेकर आ रहे हैं इनको, और यहाँ से यहाँ पे ला के छोड़ते हैं, फिर वापस यहाँ से बिठाते हैं पूरा ग्राउंड के यहाँ पे चक्कर लगा के, फिर वापस यहीं पर बिठाते हैं। तो ऐसे देख सकते हो, ऐसे मतलब कि सब ऊँट और घोड़े की सवारी कर रहे हैं। तो चलो फिलहाल ग्राउंड देख लिया, आपको भी दिखा दिया, और आगे देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। फिलहाल दोस्तों हम आ चुके हैं मेले से बाहर, ग्राउंड से बाहर मतलब के। तो मेरे पीछे झूलों का नज़ारा देख सकते हो, झूले पीछे मेरे झूलों का नज़ारा आप देख सकते हो, तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये सारे जो चमचमा रहे हैं ना, ये सारे झूले, तो चलो आपको झूले दिखाते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया झूलों का नज़ारा, कितना खूबसूरत लग रहा दूर से। फिलहाल दोस्तों अभी रात के 1 बज चुके हैं, और देखो यहाँ पे भीड़ भी कम हो चुकी है। फिलहाल उधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन अभी इधर कम हो चुकी है। तो चलो आपको और ज़्यादा देर मेला दिखाते हैं, और अभी रात के 1 बज चुके हैं, तो चलो आपको मेला दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग पर। फिलहाल दोस्तों मेले में घूम के आ गए, और अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो अभी फिलहाल हम इस होटल में आए, हमारे गांव के भैया की एक होटल है यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो चलो फिलहाल हमने थाली मंगा ली, थाली आने तक वेट करते हैं, और फिर खाना खा के आपसे मिलते हैं। फाइनली दोस्तों हमने मेला देख लिया है, आप देख सकते हो बिल्कुल भीड़ कम हो चुकी है, और फिलहाल अभी रात के 3 बज चुके हैं। तो चलो अभी तक हम इसके साथ ही है, और अब हम घर पे जाने की कोशिश करेंगे। मेला आपको हमने दिखा दिया, और अब हमने कुछ दिखाने के लिए छोड़ा भी नहीं, सब दिखा दिया अब तो घर। तो चलो फिलहाल आपको सारा मेला दिखा दिया, अब हम जाते हैं घर पे, और मिलते हैं आपको घर पे चल के।
फिलहाल देख सकते हो बिल्कुल भी यहाँ पे भीड़ नहीं है, बिल्कुल कम हो चुकी है। अभी रात के 3 बज चुके हैं, फिर भी देखो इतनी सारी पब्लिक है। तो चलो फिलहाल हम तो जाते हैं घर पे और फिर मिलते हैं।